गर्मी से जब बचना हो या यूं कहे कि लू जब आपको सताता हो तो निश्चित तौर पे याद आते हैं भोला प्रसाद जी। भोला प्रसाद जी के दुकान की खासियत पहले हम दुकान आपको दिखा दें। ये देखिए भोला प्रसाद जी की दुकान है। ये कभी रामप्यारी स्कूल के चबूतरे पे लगाया करता था, बरसों पुरानी दुकान है और आजकल ट्राली पे है। और इनका एक्यूरेट लोकेशन की बात करें तो रूपलेखा डिजिटल स्टूडियो है, बड़ा मशहूर खारी कुआं इलाके का ये स्टूडियो ठीक सामने इनके लगता है। इनके दुकान की खासियत हम बताएं यदि आपको, तो क्वालिटी में तो ये कंट्रोल अपने आप को करते ही करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो पन्ना होता है, इनका ये दावा होता है कि यदि लू यदि आपको मारा है तो अगले दो मिनट में लू आपको छोड़ के न केवल भाग जाएगा बल्कि आप हमें याद करेंगे। समझा जा सकता है कि ये भोले की नगरी है और ये दूसरे भोले हैं जो कि कष्ट का हरण करते हैं, कष्ट का तारण करते हैं। तो आइए इन्हीं से ये जानने का प्रयास करते हैं कि किन किन मसालों का समन्वय करते हैं ये, क्या वजह है कि ग्राहक लोग लाइन लगाते हैं इनके यहाँ, और किस तरह ये दो मिनट में लू को भगाते हैं। तू बतियावे में भी बड़ी तेज हुआ, खिपियावे में भी बड़ी तेज हुआ, तो पहले ही बता दा क्या करवा तू पहले। जो मन कहा तो उन करी, जो मन कहा तो उन करी, क्या बात है। तो ही बता भाई क्या क्या हो। सब काला हो, सादा हो, जीरा हो, मिर्चा हो, सिरका हो, पेट में दर्द हो, उल्टी हो, पैखाना हो, पूरी शरीर आ गए, कुचन है, सब भागेगा। मैंने डॉक्टर के अंदर जाके तोरे के अंदर मजा लिया। मालिक की मर्जी, मालिक की मर्जी। देखिए ये बनारसीपन है, ये मालिक की मर्जी है कि इनकी जो विधा है, इनका जो रेसिपी है, वो लोगों को चाहे वो पेट की दर्द हो, चाहे वो मिचली और उल्टी आ रही हो, या फिर लू लगा हो, निश्चित तौर पे आपको राहत प्रदान करते हैं। चाचा एक चीज़ बोल, आप जो पियावे लो तो पन्ना, पन्ना पियावे के बाद एक चीज़ और ही, का बोतल में पियावे लो का का चीज का सिरका है? जामुन का, जामुन का सिरका। ऐसे फायदा का जितनी उल्टी हो, शरीर में दर्द हो, जो खा तो गैस का प्रॉब्लम सब भागी। किन में वो काम आएगा? देखिए भोला प्रसाद जी बरसों से कर रहे हैं और आजकल भोला प्रसाद जी के बच्चे भी इनके व्यवसाय में इनका साथ देते हैं। क्या क्या खासियत है भैया? पेट में दर्द होता हो या गैस किसी भी माध्यम का कहीं भी फंसा हो, चाहे गैस ऊपर को ओर आता हो, जिनमें जो बेचैनी घबराहट होता है, इसके कारण हमारे यहाँ आने पे बेचैनी घबराहट गायब हो जाएगी। बता देनी थी क्योंकि हमें तो अंतर्जामी है नहीं, आप बताएंगे आपको कब। आप परेशानी बताइए और इलाज आपके पास होगा। कितने सालों से आपकी दुकान लग रही है? ये मेरे बाबू जी, पहले मेरे दादा कपते थे, मेरे बाबू जी कपते हैं, अब कुछ दिनों के 10-15 साल का मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। कितना साल हो गया आप, मतलब आपके दादाजी के कितने साल हो गए? दादाजी तो आए भी हो गए, फिर भी समझ लीजिए 90 साल को में मेरे दादाजी का 50 साल पुरानी कही जा सकती है। और ऊपर देखिए ये 50 से 60 साल पुरानी दुकान है। पहले ये राजेंद्र प्लाजा घाट पे लगती रही, अच्छा अच्छा, केले पे। उसके बाद वहाँ घाट आने के बाद पापा के पैर में तकलीफ होने के बाद राष्ट्रीय गोल के चौथरे पे लगाया गया। वहाँ घाट आने के बाद अब ठेले पे लगाया जा रहा है, ठेले पे लगाया जा रहा है। देखिए ये जगह भी बदले हैं, पहले दशाश्वमेध घाट पे थे, दशाश्वमेध घाट से फिर ये खारी कुआं के एक स्कूल के प्लेटफॉर्म पे आए, इसके बाद आजकल यहाँ पे हैं। और सबसे खास बात यदि हम ग्राहकों के टेस्ट की बताएं तो आप देख सकते हैं कि सारे लोग न केवल लाइन लगा के बल्कि इंतजार इस बात का करते हैं कि हमारा कब बारी आए और इस जायके और इस टेस्ट का स्वाद लिया जाए। एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो मसाले हैं वो मसाले इनके घर के बने हुए होते हैं। मसाले के बनाने का अपना इनका अंदाज है, अपना एक स्टाइल है, और इस स्टाइल को फॉलो करते हुए पिछले ये 60 सालों से न केवल लोगों के लिए लोकप्रिय हैं बल्कि अपने भी इस काम से खासे ये खुश नज़र आते हैं। रेसिपी की इनकी बात कर लें तो रेसिपी आप देख रहे हैं कि बॉयल आम लेते हैं, आम को ये सुबह सवेरे मंगाते हैं, धोते हैं और स्वच्छता की पूरी ध्यान देते हैं यदि कहा जाए तो। उसके बाद उसे मैश करते हैं और ये जो लाल जो मटके लगे हुए हैं, इन मटकों में एक में ठंडा पानी और दूसरे में इनका पन्ना होता है। अलग चीज़ है कि बाल्टी में भी ये पन्ने को रखते हैं। पन्ना में कुछ मसाले खास होते हैं, उन मसाले के विषय में आपको इनसे एक बार फिर हम बात कराएंगे। और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि इन खासियत के बाद जो बाद में बातें होती हैं वो होता है जामुन का सिरका। और इनकी माने तो जामुन का सिरका वो चीज़ होता है जिससे मिचली आना या फिर पेट में कोई व्याधि हो, उन व्याधियों को वो दूर करते हैं। समझा जा सकता है कि लोगों की जो टेस्ट है, लोगों की जो पसंद है, ये न केवल लाजवाब है बल्कि लोग लाइन लगाते हैं। एक बार हम फिर आते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। चाचा एक बार फिर तो से बात करब हम। चाचा कितना दिन से तू करत हुआ और कोई ऐसा जो कि एकदम बम बम कर गए लो तो? अरे ऐसा नहीं कि कोई ऐसा टनाटन न हो, टनाटन हो तो पन्ना किस काम का होता है? करने तो हमारा बड़ा नहीं अच्छा, हमारी करने नहीं अच्छा है। पीने के बाद जब आप देखिए क्या करता है वह, पन्ना उससे बोलेगा।
अब पन्ना आपको खुद बुलाएगा, पन्ना वाला नहीं बुलाते, पन्ना बुलाएगा आपको, क्या गुण है उसके अंदर। देखिए ये भाव है इनका, साफ कहना है कि हम किसी को नहीं बुलाते, हमारा आइटम, हमारा जो फ्लेवर है, हमारा जो स्वाद है, ये लोगों को बुलाते हैं। और समझ सकते हैं कैसे भाव के और ऐसे स्वाद के दीवाने काशी वाले हैं। आइए एक दो लोगों से बात और करते हैं जो इनके नियमित ग्राहक हैं और लगातार इनसे जाते हैं। दिलीप जी, आप इनके नियमित ग्राहक हैं, क्या इनमें खासियत होती है? इनका पन्ना जो है बहुत ही शरीर के लिए जो है बहुत लाभदायक है, और शुद्ध मसाले जो है ये प्रयोग करते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब बहुत धूप सताए और लू का असर हो तो ये काम आते हैं जी, मौके आते हैं। आइए और एक से जानना चाहते हैं। हरी जी, आप भी आते रहते हैं और आपकी सबसे बड़ी बात है कि सामने दुकान भी है, क्या लगता है आप देखते भी होंगे इनको? कुछ क्वालिटी है भैया, हम इनको आके बोल भी देते हैं लू लग गई है तो ये क्या मिला के देंगे, इनकी जिम्मेदारी, लेकिन गारंटी है कि 10 मिनट में आराम मिलना है, 15 मिनट में आराम मिलना है। और हम लोग आके बोल देते हैं ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो तुरंत रिलीफ होता है कि कुछ जादू करके देते हैं। राहत के साथ, राहत के पीछे इनकी कोई जादू वाली जादू है, सच में जादू है। भाई आप कहाँ से हैं? बनारस से हैं। पहली बार पी रहे हैं कि आते रहते हैं आप? हम लोग 2-4 साल हो गए, 4 साल से। मतलब जब इस रास्ते से गुजरते हैं आप तो चचा के यहाँ आना भूलते नहीं है प्राय? क्या क्या खासियत लगती है दूसरे और इनमें? इनका टेस्ट और इनका जो है जो बनाने का तरीका है वो सबसे अलग है। हमको लगता है कि पूरे बनारस में इनकी दुकान जो है प्रसिद्ध है पकने के मामले में। हम लोग प्रायः जितने भी हैं, जो भी इनके जानने वाले हैं, बिना इधर से गुजर रहे हैं तो अगर समय है तो जरूर रुक के पकना जरूर। तो देखिए ये इनके कदरदान हैं और ये इनकी दुकान की क्वालिटी है। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि जब स्वाद अच्छा हो, गर्मी से राहत हो, लोगों को लू लगी हो, पेट में दर्द हो, मिचली आ रही हो, तो उस समय न केवल इनको याद किया जाता है बल्कि भोले और हर हर महादेव का ये जो कम्बिनेशन है ये वाकई लाजवाब है। आप भी जब फुर्सत में हो तो एक बार ज़रूर इनके यहाँ आइए और पन्ना का जो अद्भुत स्वाद है, या ये कहा जाए लाजवाब स्वाद है, चखना ना भूलें।